हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग गाइस? फेशियल प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं, उसमें हमने आपको थोड़े से थ्योरी और बेसिक्स बताए थे और उनके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। आज हम रेशियो टू स्टार्ट करेंगे। यहां हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे हमें अप्रोच करने हैं वो हम यहां सीखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो, उसी रिगार्डिंग हम आज यहां आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा रेशियो टू है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फोकस करेगा आपका SSCGL, रेलवे, बैंक, कैट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम्स। ठीक है, और गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज रेफरल कोड ANUJ10 ऑन अनअकैडमी फॉर डिस्काउंट। तो अगर आप या आपका कोई फ्रेंड या कोई जानने वाला अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, UPSC हो सकती है, SSCGL हो सकती है, कैट या कोई और कैटेगरी जैसे कि IITG, किसी भी कैटेगरी में अगर आप ANUJ10 ANUJ10 ये कोड यूज कर लेते हैं अपने रेफरल ऑप्शन में, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहां अवेल हो जाएगा। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो कैट कैटेगरी में मैं आपको वहां मिलूंगा, तो कैट कैटेगरी में मुझे आप अनुज कुमार के नाम से सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए गाइस, रेशियो में अपना नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जॉइंट रेशियो, रेशियो को जोड़ना। ये क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज A:B इज 2:3, B:C इज 2:5। फाइंड करना है आपको A:B:C इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनकर, मतलब इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस भी आपको एग्जाम में मिल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिए और काफी लोग जानते भी होंगे 2 के लिए 3 के लिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं इसमें कि आपके लिए कितने भी रेशियोज आ जाए अलग अलग, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, A:B:2:3, B:C:2:5। तो यहां देखिए कि बी क्या है, कॉमन है, तो जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले रेशियो में 3 रिप्रेजेंट कर रहा है और इस रेशियो में 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, जब ये सेम बी के लिए है तो ये इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के लिए 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा गाइस, 6 आएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 एज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। क्योंकि जब आप रेशियो में मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से, तो रेशियो के सारे रिप्रेजेंटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई होता है। A को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी मल्टीप्लाई होगा, C को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर A:B इज इक्वल टू आएगा आपका 4:6 और यहां B:C इज इक्वल टू आएगा 6:15। ठीक है, अब क्या है कि बी के लिए रिप्रेजेंटेड वैल्यू इक्वल है और जब ये इक्वल आ जाए तब A:B:C इज 4:6:15। ठीक है, क्योंकि बी को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू 6 है और यहां दोनों जगह 6 है। तो अब आप देखिए क्या A:B का रेशियो वही है जो पहले था, तो देखेंगे तो हाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा था, 2:3 है। क्या B:C का रेशियो वही है जो पहले था, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2:5 वही है, ये भी चेक भी हो गया। इट मीन्स ये जो कंबाइंड रेशियो आया है, ये जो ज्वाइंट रेशियो आया है तीनों का, A:B:C का 4:6:15, ये करेक्ट है। ठीक है, अब यहां से वो आपसे तीनों का रेशियो ना पूछकर A:C भी पूछ सकता था। ठीक है, ठीक है, तो A:C यहां से अगर आप करेंगे तो यहां से तो बता ही सकते हैं 4:15 हो गया, बेटर
और नहीं तो b को एलिमिनेट करके ऐसे भी कर सकते थे डिवाइड करके a by b into b by c, a by b 2 by 3 था into b by c, कितना आपके पास 2 by 5 है, तो b से b यहां कैंसिल होगा, a raise to c आ जाएगा 4 raise to 15, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या डिवीजन के थ्रू भी कर सकते थे, कि b को कैंसिल कर दो, जो है जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, और ये तो बेटर है ही, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये दो के लिए मैंने आपको समझाया। अब तीन में भी ऐसी प्रॉब्लम मतलब घटना आ सकती है, लाइक a रेस टू b इज 2 रेस टू 3, b रेस टू c इज 1 रेस टू 2 एंड c रेस टू d इज 2 रेस टू 5, फाइंड a रेस टू b रेस टू c रेस टू d, अभी तो यही करते हैं, देखो और भी बन जाएगा, a रेस टू c रेस टू d निकालो, a रेस टू b रेस टू d निकालो, तो अगर आप ये एक बार ये निकाल देते हैं तो कुछ भी निकाल देंगे, ये ज्यादा ठीक है, अलग अलग सोचने की जगह, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे कि आप यहां b और b कॉमन है, यहां c और c कॉमन है, ठीक है, तो अब अगर आप d c को इक्वल बनाते हैं, का जो यहां पर रिप्रेजेंटेड वैल्यू है 2 है और यहां सी का रिप्रेजेंटेड वैल्यू 2 है, तो ये तो बेनिफिट हो गया, दोनों जगह सेम है, ठीक है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर जो बी का रिप्रेजेंटेड वैल्यू है तो वो 1 है और यहां कितना है 3 है, बी के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, है ना, इट मींस यहां आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नहीं 3 से इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस केस में हो जाएगा इजीली, ठीक है, तो a रेस टू b रेस टू c रेस टू d डायरेक्ट सीधे लिख लेते हैं यहां कितना आएगा, ये तो 2 रेस टू 3 रहेगा, 2 रेस टू 3 और जो c हो जाएगा 3 टू जा 6, अभी 6 हो गया वो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है, तो 2 रेस टू 3 b रेस टू c इज 1 रेस टू 2, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे और c रेस टू b c रेस टू d इज 2 रेस टू 3, ठीक है। अब आपसे a रेस टू b रेस टू c रेस टू d ये आपके पास आ गया है, अगर आपसे ये भी पूछेगा a रेस टू b रेस टू d बताओ भाई, तो 2 रेस टू 3 रेस टू 15, अगर आपसे पूछता है बी रेस टू सी रेस टू डी बताओ तो बी रेस टू 6 रेस टू 15, अब क्योंकि रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर दो तो 1 रेस टू 2 रेस टू 5 ये आ जाएगा, बी रेस टू डी बी रेस टू सी रेस टू डी, ठीक है, तो एक मेथड तो ये हुआ। लेकिन यही अगर ये मान लो ऐसे होता क्वेश्चन आपका a रेस टू b इज इक्वल टू 2 रेस टू 3, b रेस टू c इज इक्वल टू 1 रेस टू 2 एंड c रेस टू d इज इक्वल टू 5 रेस टू 4, तब तो यहां फिर से b के लिए जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है क्या है 3 एंड 1 है, c के लिए रिप्रेजेंटेड वैल्यू 2 और 5 है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब पहले c को अगर इक्वल बना लेते हैं तो ये 10 बन जाएगा, अब अगर ये 10 बन जाएगा उसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, अब इस 3 और 5 को इक्वल बनाने के लिए है ना, तो अब इसको 5 बनाना है या इसको 3 और 5 के लिए इसे 15 बनाएंगे तो 15 बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा खेल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो तो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वो इजी मेथड क्या है उसको समझते हैं, चलिए अपना वो इजी मेथड समझते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक कॉलम में a रेस टू b, b रेस टू c और c रेस टू d लिख लीजिए, जब आप सीख जाएंगे तो ये भी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अभी तो आपको समझना है इसलिए मैं लिखकर बता रहा हूं, तो 2 रेस टू 3, 1 रेस टू 2 एंड 5 रेस टू 4, ठीक है,
तो 2, 1 या 2, 5 या 10, मतलब जब आपको ए के लिए चाहिए पहले वाले जो भी वैल्यू है रेशियो की आपकी, जो भी पहली वैल्यू है यहाँ ए है, तो उसके लिए सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए के लिए आपका आएगा 2 × 1 × 5। जब ए के लिए हो चुकी है वैल्यू, तो ए के न्यूमरेटर को आपको हटाना है, इसके डिनोमिनेटर पर आ जाइए, ठीक है, पहले वाले रेशियो के, तो 3 × 1 × 5, तो बी के लिए आएगा 3 × 1 × 5। फिर सी के लिए, क्योंकि बी का वैल्यू हो चुका है तो बी का न्यूमरेटर भी आप छोड़ेंगे, फिर सी के लिए इसके डिनोमिनेटर पर आ जाइए, तो 3 × 2 × 5, तो 3 × 2 × 5, ठीक है, ये सी के लिए हो गया। आप नेक्स्ट डी के लिए, यहां लिख देते डी के लिए, तो डी के लिए सी का वैल्यू हो चुका है तो सी वाले न्यूमरेटर को भी छोड़ दीजिए, और डी के लिए 3 × 2 × 4, 3 × 2 × 4, ठीक है। तो यहां से ए रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी आपको मिलेगा 2 × 2, 5 × 10, 3 × 3, 5 × 15, 3 × 2, 6, 5 × 30, 3 × 2, 6, 5 × 30 एंड 3 × 2, 6, 4 × 20। अगर कोई कॉमन नंबर है जो उसको डिवाइड कर रहा हो उसे डिवाइड करिए, तो यहाँ 3 × 15, 30 और 24 तो 3 से डिवाइड हो जाते, लेकिन 10 डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए ए रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी तो यही है। अब मान लीजिए आपसे वो यहाँ ये पूछ लेता ए रेस टू डी बताइए, ए रेस टू डी यहां से सीधे उठा लीजिए वैल्यू 10 रेस टू 24, ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है 2 से तो डिवाइड कर दो 5 रेस टू 12। अगर वो आपसे पूछता मान लीजिए कि भाई बी रेस टू डी बताइए, तो बी रेस टू डी के लिए बी और डी की वैल्यू उठा लो, तो क्या आएगा 15 रेस टू 24, डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो 5 रेस टू 8 आ रहा है। तो इस तरह से अगर वो आपसे अलग अलग पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये साथ में पूछ रहा है तो ये निकल ही आएगा। अलग अलग जैसे बी रेस टू डी पूछता आपसे, तो बी रेस टू डी के केस में क्या कर सकते थे आप, बी बाय सी इंटू डी बाय डी भी कर सकते थे, तो बी बाय सी है 1/2 × 5/4, तो सी से सी कैंसिल हो जाता, तो बी रेस टू डी यहां से करेक्ट आ जाता 5 रेस टू 8, ठीक है। लेकिन ये ऐसा मेथड है कि यहां से आपसे कुछ भी पूछे एक बार आपने निकाल दिया तो आप सारे वैल्यूज निकाल देंगे। अब मान लीजिए ए रेस टू डी पूछता, तो ए रेस टू डी के केस में क्या करते हैं आप, ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी, तो बी से बी कैंसिल हो जाता, सी से सी कैंसिल हो जाता, ए रेस टू डी सीधे आ जाता, वो भी कर सकते हैं, है ना। देखो ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी, तो सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो ए रेस टू डी सीधे आ जाएगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। चलिए ये कैपिटल होगा कोई बात नहीं है, तो यहां से भी हो जाएगा, लेकिन ये मेथड मैं बता रहा हूं कि जब आपको सबको कंबाइन करना है तब आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और फिर इनसे इंडिविजुअल्स के भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम और देख रहे हैं जैसे क्लियर होगा आपको पिक्चर बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास a रेस टू b इज 3 रेस टू 2, b रेस टू c इज 1 रेस टू 2, c रेस टू d इज 2 रेस टू 5 एंड डी रेस टू ई इज 2 रेस टू 3। अब देखिए ये दोनों कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा, फर्क नहीं पड़ता है ना, हमें तो अब भी समझना है। तो अब इसको वैसे ही कॉलम में लिख लीजिए, अब इसको आप कॉलम में लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, है ना। मैं बिना कॉलम में लिखे ए बी सी को बिना कॉलम में लिखे बता रहा हूं आपको अभी, 3 रेस टू 2, 1 रेस टू 2, 2 रेस टू 5 एंड 2 रेस टू 3। ए के लिए सारे न्यूमरेटर पहले वाले, तो 3 × 1 × 2 × 2, अब सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए एक बार मैं लिखकर बता देता हूं आपको कंप्लीट, पहले कंफ्यूजन ना हो, 3 × 1 × 2 × 2 रेस टू। बी के लिए ए वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट छोड़ देंगे, तो 2 × 1 × 2 × 2, 2 × 1 × 2 × 2, मतलब जब आपका ए के लिए आ गया तो आपने फर्स्ट ए वाले के लिए छोड़ दिया न्यूमरेटर, इस पर आ गया, इसके डिनोमिनेटर पर आ गए बाकी सारे न्यूमरेटर आपने लिए। फिर सी के लिए
टी के लिए, क्योंकि बी बी हो चुका है सेकंड वाला, तो ये छोड़ देंगे, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये दोनों डिनोमिनेटर और ये दोनों न्यूमरेटर, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। फिर डी के लिए, डी के लिए देखिए, अब डी के लिए क्या हो चुका है, डी वाला वैल्यू ए बी सी ये हो चुका है, ठीक है, तो सी के लिए आपने छोड़ दिया क्योंकि सी वाला हो चुका है आप टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू टू, तो डी के लिए टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू टू। फिर ई के लिए ई भी हो चुका है, उसको भी छोड़ेंगे, टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री, टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री, तो टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका थ्री वन जा थ्री, टू जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व, थ्री आएगा टू वन जा टू, टू जा फोर, टू जा एट, थ्री आएगा टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, फिर टू टू जा फोर, फाइव जा ट्वेंटी, टू जा फोर्टी, फिर टू टू जा फोर, फाइव जा ट्वेंटी, थ्री जा सिक्सटी, तो आपका ए रेज टू बी रेज टू सी रेज टू डी रेज टू ई का कंबाइंड रेशियो आ गया, कंबाइंड रेशियो आ गया, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा ए रेज टू बी था थ्री रेज टू टू, तो अगर मैं इसको फोर से डिवाइड करूंगा तो थ्री रेज टू टू ही आ रहा है, बी रेज टू सी था वन रेज टू टू, तो ए से डिवाइड करेंगे तो वन रेज टू टू ही आ रहा है, फिर सी रेज टू डी था टू रेज टू फाइव, तो ए से डिवाइड करेंगे तो टू रेज टू फाइव ही आ रहा है, डी रेज टू ई था टू रेज टू थ्री, तो ट्वेंटी से डिवाइड करोगे तो टू रेज टू थ्री आ रहा है, इट मीन्स ये कंबाइंड रेशियो जो आपका है कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा है, फोर से आई थिंक ये डिवाइड हो रहा है, देखो कंप्लीट, तो फोर से डिवाइड कर दो, तो फोर से डिवाइड होगा तो ये थ्री टाइम्स, ये टू टाइम्स, ये फोर टाइम्स, ये टेन टाइम्स और ये फिफ्टीन टाइम्स, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ए रेज टू बी रेज टू सी रेज टू डी रेज टू ई, थ्री रेज टू टू रेज टू फोर रेज टू टेन रेज टू फिफ्टीन। अब इसमें आपसे इंडिविजुअल पूछ रहा है, इंडिविजुअल मान लीजिए इसमें आपसे पूछ लेता है यहां से ये भाई बी रेज टू सी रेज टू ई बताओ, तो बी के लिए क्या वैल्यू है टू, सी के लिए क्या है यहां पर, सी के लिए है फोर और ई के लिए कितना है फिफ्टीन, बस यही हो गया, बी रेज टू सी रेज टू ई टू रेज टू फोर रेज टू फिफ्टीन, कुछ भी पूछ ले आपसे, तो ए रेज टू सी रेज टू डी रेज टू ई पूछ ले, चलिए लिख देते हैं ए रेज टू सी रेज टू डी रेज टू ई पूछ ले, तो क्या हो गया, ए के लिए थ्री, ई के लिए फोर, ई के लिए टेन और ई के लिए फिफ्टीन आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, एक दो क्वेश्चन आप खुद बनाकर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज्वाइंट रेशियो बिल्कुल क्लियर होगा, और एग्जाम में जो पूछा गया है तीन रेशियो के लिए अभी तक पूछा गया है, चार के लिए पूछा भी नहीं गया है, लेकिन ये चार पांच छह कितने भी रेशियोज आ जाएं आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि यहां बी है तो इसका फर्स्ट बी होना चाहिए, यहां सी है तो इसका फर्स्ट सी होना चाहिए, यहां डी है तो इसका फर्स्ट डी होना चाहिए, इस मेथड को लगाने से पहले, ठीक है बात, ओके। तो मैंने आपको ज्वाइंट रेशियो समझाया, अब इसके कुछ जो नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं जो अप्लाई होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, जैसे कंटिन्यूस रेशियो क्या होता है, ओके। तो कंटिन्यूस रेशियो वैसे प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी का केस है, प्रोपोर्शनलिटी का केस है, तो पहले हम सोच रहे हैं कि आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करा दें केवल रेशियोज के जिसमें प्रोपोर्शन ना आता हो, लेकिन रेशियो और प्रोपोर्शन का वैसे साथ है, ठीक है, बिना प्रोपोर्शन के रेशियोज के क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमें ढूंढने पड़ेंगे सिंपल से, ठीक है, चलिए बिल्कुल वही करेंगे पहले, फिर प्रोपोर्शन और उससे रिलेटेड कुछ सिंपल फॉर्मूला और फिर प्रोपोर्शन को भी साथ में मिलाएंगे। अब प्रोपोर्शन के साथ फिर हमारा होगा इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब इनवर्स और डायरेक्ट आएगा तो फिर आपका वो काफी यूजफुल है, क्योंकि उसका यूज टाइम इनवर्स और टाइम स्पीड डिस्टेंस में काफी होता है, ठीक है, तो उसको ठीक से समझना है। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चंस को हम उस तरह से करेंगे जैसे हमें एग्जाम में करना है, मतलब किस तरह से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं वो ध्यान में रखना है, तो अगर हम ऑप्शंस का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं तो निकालेंगे, मेथड तो हम जानते ही हैं, मेथड भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम में कैसे आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं ये भी हम यहाँ डिस्कस
करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमें अपने एग्जाम को कैसे टारगेट करना है, एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, मेन फोकस हमारा उस पर होना चाहिए। मेथड हमने आपको सिखाए, थ्योरी बताई, उसमें भी शॉर्टकट कैसे हैं आपके, कैसे आप चीजों को शॉर्ट करेंगे वो भी सिखाया मेथड के थ्रू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे आपको बताया। ठीक है, तो उसी का यूज करते हुए हम यहाँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:5। इफ द मार्क्स ऑफ ए आर 120 मार्क्स ऑफ बी, देखो बहुत सिंपल है, ए का मार्क्स आपको 120 दिया हुआ है, तो ए को रिप्रेजेंट 2 कर रहा है और उसका एक्चुअल वैल्यू 120 है। ठीक है, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 60 into 2 is 120। ठीक है, अब आपको निकालना है किसको, बी को, तो बी के लिए जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है 5 है, तो 5 into 60 is 300 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रवीण एंड विनीत इज इन द रेशियो ऑफ 5:4। 3 years hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, इसको भी दो तरह से करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास के 5:4 में प्रेजेंट एज है, 3 साल बाद इनकी जो एज आएगी 11:9 आएगी, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज 5:4 में है गाइस, ये प्रेजेंट एज है। मैं दो तरह से इसको करके आपको बता रहा हूं, और जो आफ्टर थ्री इयर्स होगा आपका रेशियो एजेस का 11:9। तो प्रेजेंट एज 5 के आपने ले लिया, 4 के ले लिया है। ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स मतलब 5k+3/4k+3 इज इक्वल्स टू जो नया रेशियो आ रहा है आफ्टर 3 इयर्स 11:9 आ रहा है, 11/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 45k+27 = 44k+33। तो ये 45k से 44k माइनस होगा, k = 33 से 27 उधर जाएगा, माइनस होगा 6, तो k का वैल्यू 6 आ रहा है। अब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा, प्रेजेंट एज पूछ रहा, तो प्रेजेंट एज 5k थी इसकी, प्रवीण की, तो ये आ जाएगी 5 into 6 = 30, 4 into 6 is 24। तो आंसर हो गया 30 and 24। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये था मेथड 1 जो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी है, बहुत तो नहीं है, कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप जरूर कर लेंगे। लेकिन एक दूसरा मेथड मैं आपको यहां समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास जो 5:4 का रेशियो है और 11:9 है आफ्टर 3 इयर्स, तो गाइज मुझे ये बताइए जो इनका डिफरेंस है एजेस का वो इक्वल रहने वाला है। अभी कितना डिफरेंस है यहां, 1, और यहां कितना डिफरेंस आ रहा है, 2। लेकिन ये तो इक्वल होना चाहिए, यहां 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए, या यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। ये क्लियर है, तो अगर आप 2 बनाएंगे तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 और ये 2 × 4 = 8। अब आप देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का ये आ रहा है और 1 का ये आ रहा है, और ये डिफरेंस होना चाहिए था 3 का, तो आपको एक्चुअल डिफरेंस 3 दिया होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 आएगा। ठीक है, तो 3 × 10 = 30 years इसका एज आ जाएगा, और 3 × 8 = 24 years इसका एज आ जाएगा। ये समझ आया आपको, चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं इसको हटाने के बाद, नीचे करते हैं। चलिए 5:4 में था ये, ठीक है, 11:9 था क्योंकि एजेस में डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, ये तो पता ही है आपको। तो यहां जो डिफरेंस है वो 1 है और यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो आप इसको इक्वल बनाएंगे, तो इसको या तो इसको 1 बनाइए या इसको 2 बनाइए। तो 2 बनाना आपके लिए इजी रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 = 10, ये वैल्यू 10 हो जाएगी, ये वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अब ये जो डिफरेंस हो गया 1 हो गया 3 साल बाद का, है ना, तो एक्चुअल डिफरेंस तो 3 होना चाहिए, तो 1 तो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है क्योंकि रेशियो वैल्यू थी, 3 एक्चुअल वैल्यू है,
तो 1 से 3 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 5 जा सॉरी 10 हो गया वैल्यू, 3 इंटू 10 इज 30 और 8 इंटू 3 इज 24, तो आंसर 30 एंड 24 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड द रेशियो बिटवीन देम इज 5:3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो यहां पर आपको जो नंबर्स दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, और उनका डिफरेंस 10 दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना है यहां पर, डिफरेंस यहां 2 आ रहा है और एक्चुअल डिफरेंस 10 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इनका प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट में गलती आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं उसको बता देता हूं, गलती ये कर सकते हैं कि आप जल्दी से देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर ने बताया है और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, तो आप जैसे हम बता दें कि डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या एड होकर टोटल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी आप ये कर सकते हैं कि 5 × 3 15 और इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये क्या आ जाएगा 75, बाई चांस ऑप्शन भी नहीं, अच्छी बात है, ये तो ये गलती होने के चांस हो सकते हैं। क्यों गलत है ये, देखिए ये गलत इसलिए है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जैसे आप यहाँ 5K और 3K लेते हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर दोनों में, तो 5K × 3K ये दोनों जगह आएगा, जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करने में क्या होता है, देखो 5K + 3K तो ये 8K, तो K यहां सिंगल रहता है, या आप डिफरेंस कर रहे होते हैं 5K − 3K तो ये 2K आता है, तो यहां K सिंगल रहता है। ठीक है, तो वहां हम टोटल करके या डिफरेंस करके एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई के केस में तो K × K, K² आएगा, अगर तीन वैल्यूज होती हैं, तीन रेशियोज होते तो K³ आता, तो इस बात का आपको यहां ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसको हटाकर अब डायरेक्ट करते हैं, तो 5:3 आपके पास, डिफरेंस 2 आ रहा है और एक्चुअल डिफरेंस 10 दिया हुआ है, जिसकी वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा हमारा, 5 आएगा, तो 5 × 3 = 15 और इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यूज है, तो 5² = 25, तो 25 × 15 = 375, 375 होना चाहिए, 25 × 5 = 125, तो ए ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्या गलती हो सकती थी वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, तो वो गलती नहीं करनी है, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फोर नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:4:7, चार नंबर्स किस रेशियो में दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले दूसरा तीसरा चौथा के हिसाब से ये नंबर आपके पास है। द सम ऑफ ऑल फोर नंबर्स इज 75, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो यही है ना, तो 1:3:4:7 टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 7 × 4 = 11 and 4 = 15, तो 15 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 75 को, क्योंकि सम 75 दिया हुआ है और ये भी रिप्रेजेंटेड वैल्यू का सम है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ओबीएस 5 आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको मिल गया, अब आपको सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, ये है, तो 4 × 5 दिस इज 20, क्या सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आपको बतानी थी, तो वो तो 20 है, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, 20 ही आपका आंसर होगा। अगर यहां लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा होता तो 7 × 5 = 35 आपका आंसर होता, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट की जगह लार्जेस्ट वाला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ठीक कर लीजिए, ये 20 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वी इंक्रीज बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, अ फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4 फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जब हम अंश और हर दोनों को 7 से बढ़ाते हैं तब भिन्न 3/4 में बदल जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए आप किसी भिन्न में ऐड करेंगे तब 3/4 आएगा। ठीक है, अब यहां कोई भिन्न ही नहीं है जिसमें आपको ऐड करना है, कुछ रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप ऑप्शन पर जाइए कि अगर हम 5 में 7 प्लस करेंगे तो 12 और यहां 7 प्लस करेंगे तो 19, तो 3/4 का तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 19 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है,
ये नहीं होगा। फोर का नीचे वाले वैल्यू को आपको कैसे देखना है कि नीचे वाला वैल्यू मेरा फोर के टेबल में आना चाहिए और ऊपर वाला वैल्यू थ्री के टेबल में आना चाहिए। तो थ्री प्लस सेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व तो थ्री के टेबल में आता है लेकिन ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन फोर के टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसी तरह से सेवन प्लस सेवन फोर्टीन, थ्री के टेबल में नहीं आता है, यही छोड़ दीजिए। फिर टू प्लस सेवन नाइन, थ्री के टेबल में आता है। फाइव प्लस फोर, सॉरी फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व भी फोर के टेबल में आता है, तो ये ऑप्शन होने के बिल्कुल चांस है, तो रोकते हैं। फिर इसको देखिए, थ्री प्लस सेवन टेन, थ्री के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं, तो ऑप्शन भी यही है, टू बाय फाइव। अब एक बार चेक करके देख लीजिए, वैसे तो पता चल गया जब तीन ऑप्शन नहीं है, एक ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर तो यही हुआ। फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए उसको चेक कर देते हैं, टू प्लस सेवन अपॉन फाइव प्लस सेवन, तो ये आएगा नाइन बाय ट्वेल्व। नाइन बाय ट्वेल्व डिवाइड हो जाएगा थ्री से थ्री टाइम्स, और थ्री से ये फोर टाइम्स, तो थ्री बाय फोर बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, और कोई इसका तरीका आपके पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं गाइस। विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 27:35 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 2:3। कौन सी संख्या 27 अनुपात 35 के अंश और हर में से घटाई जाए ताकि यह दो अनुपात 3 के बराबर हो जाए। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, मेथड तो आपको पता ही है कि 27 माइनस एक्स और 35 माइनस एक्स को 2/3 के बराबर रख देंगे, ठीक है, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा नंबर ए, ये तो आप सब लोग जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन 27 माइनस 8 19, 2 के टेबल में आता ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता, छोड़ दो। फिर 27 माइनस 12 15, 2 के टेबल में नहीं आता, यहां तो 2 चाहिए, नहीं होगा। फिर 27 माइनस 6 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब ये तीन ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन होना चाहिए आपका आंसर नंबर एक। अब डी ऑप्शन आंसर है तो ये चेक करते हैं है या नहीं है। तो चलिए 27 माइनस एक्स अपॉन 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 3x इज इक्वल टू 70 माइनस 2x, ये 70 तरह का माइनस होगा तो 11, ये 3x उधर जाकर प्लस होगा और वो माइनस 2x है तो ये x, x का वैल्यू 11 आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका ठीक आंसर, ठीक है। ये मेथड भी सिंपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑप्शन से आप कुछ ही सेकंड में आंसर कर लेंगे। और एक मेथड और बता रहा हूं, सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए, बहुत इंटेलिजेंट एप्टीट्यूड मेथड है ना, इसको मैं एप्टीट्यूड मेथड ही बोलता हूं, जो लॉजिकली सॉल्व होते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि 27 35 में से कोई एक कॉमन नंबर माइनस कर रहे हैं, है ना, तो कॉमन नंबर माइनस से क्या होगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, माइनस करने के बाद कितना हो रहा है 2:3 हो रहा है, तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। तो डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए था क्योंकि सेम नंबर माइनस किया है, तो यहां 8 आ रहा है यहां 1 आ रहा है, या तो इसको 1 बनाइए या इसको 8 बनाइए, तो इसको 8 बनाना ज्यादा ईजी है, तो 8 से मल्टीप्लाई किया, और 8 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ, ये हो जाएगा, और 8 3 24 ये हो जाएगा। अब इनमें डिफरेंस देख लो कितने का रहा है 11, ये डिफरेंस देखो ये भी कितना आ रहा है 11, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये वैसे भी यूज कर सकते थे, अगर आप मान लीजिए एक आप देख लेते हैं एग्जाम्पल के, ये बात सही बोली है क्या मैंने, मान लो आपने लिया 12 और 15, कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, यहां से 4 माइनस कर दो ये आ जाएगा 8, 4 यहां से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 11, डिफरेंस क्या रहेगा 3 रहेगा, तो ऑब्वियस है, लॉजिक से समझ लो, अगर आप सेम नंबर दोनों में से माइनस करोगे तो डिफरेंस थोड़ी चेंज होगा, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, या ठीक है ऐड कर दो तब भी डिफरेंस चेंज नहीं होगा, एक ही बात है, 8 में आप 4 ऐड कर दो, 11 में 4 ऐड कर दो, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, जब भी आप सेम नंबर माइनस या प्लस कर रहे होते हैं तो डिफरेंस आपका कॉमन रहता है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट रहता है। अब जो कॉन्स्टेंट रहता है उसी का यूज करके हम कंपेयर कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि यहां पर हमारा 1 है और यहां 8 आ रहा है,
तो हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो इसको 8 बनाने के लिए आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 16 और 8 3 24, और दोनों रेशियोज में वैल्यू दी हुई थी तो रेशियोज में ही हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नहीं तो ये मेथड तो आपके पास है ही, ऑप्शन के थ्रू आप कर ही सकते हैं। बेस्ट तो है कि आप जब एग्जाम में अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को कीजिए। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में 100% में से 30% क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से कर पाते हैं, 30 या 25% जो भी है, तो काफी टाइम आप बचा लेंगे। हमारा जो मेन पर्पज होता है एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है, वहां हमें ये नहीं दिखाना है कि हम नहीं हम बहुत अच्छे मेथड्स आते हैं, कितनी जल्दी कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, कितना फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम को भी वहां मैनेज करके चलना पड़ता है, तो उस मैनेजमेंट के लिए हमें ऑप्शन वाले जो मेथड हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी चाहिए। बाकी मेथड्स मैं आपको सारे बता रहा हूँ जो जो अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट ही मेथड बता रहा हूँ दूसरे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ पी वाई क्यू इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5p-3q 5p+2q। अब आप यहां देखिए पी वाई क्यू आपको यह दिया हुआ है, तो यहां या तो डिफरेंस हो रहा है इन वैल्यूज में या क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोनों में क्या आएगा, ऊपर भी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा सिंगल और नीचे भी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा सिंगल, हमारे इस बात को आप, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैंसिल हो जाएगा कॉमन आने के बाद, तो कुल मिलाकर आप ये वैल्यू अगर यहां सीधे पुट कर देंगे तो अभी आपका आंसर रेशियो में ठीक आएगा। ठीक है, चलिए मैंने जो बोला है पहले उसको मैं लिख कर आपको समझा देता हूं, फिर आप लोग डायरेक्ट करना। जैसे पी रेस टू क्यू आपके पास 3/4 दिया हुआ है, डिवीजन का मतलब रेशियो होता है ना गाइस, ये तो पता है आपको। तो अगर आपने मान लीजिए ये 3 के ले लिया है और ये 4 के ले लिया है, मैं जो बोल रहा था वो पहले समझा रहा हूं, करना मैं सीधे, तो आप यहां लिखेंगे 5 × 3k - 3 × 4k अपॉन 7 × 3k ई का वैल्यू प्लस 2 × 4k ठीक करेंगे। अब यहां से k आप कॉमन निकाल देंगे तो अंदर 15 मतलब 5 × 3 बचेगा। चलिए अभी 5 × 3 लिखकर मैं आपको बता रहा हूं, 5 × 3 - 3 × 4 सॉल्व नहीं कर रहे अभी, और अपॉन k 7 × 3 + 2 × 4। तो आप ध्यान से देखिए इसका वैल्यू जो 3 था, जो 3 रिप्रेजेंटेड वैल्यू था उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और 3 को 2 के रिप्रेजेंटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां क्यू लिखा हुआ है क्योंकि, इसी तरह से नीचे देख लीजिए पी के रिप्रेजेंटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्यू के रिप्रेजेंटेड वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि के से के तो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था आपसे, जब इस तरह का डिवीजन या कुछ मिले आपको और ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं तो सीधे सीधे हम जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है उनको पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो भी सीधे पुट कीजिए, 5 × 3 = 15 - 4 × 3 = 12 15 - 12 = 3 अपॉन, अब 3 वाला तो एक ही ऑप्शन है, एक आंसर तो यही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से कर लेते हैं पूरा इसको, फिर 7 × 3 = 21 एंड 4 × 2 = 8 तो 21 + 8 = 29 ये आपका आंसर है। तो इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, सीधे आप आंसर कर पाएंगे अगर चीजों को ध्यान में रखेंगे जो बताई जा रही हैं। क्योंकि देखिए अप्रोच आपको करना ही पड़ेगा इस तरह से अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, बड़ा क्वेश्चन आ गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल वाज 5:3 व्हेन सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशियो 5:7 एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिकम्स 1200 तो फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स चेंज टू 7:5 द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन नए एडमिशन से पहले कितने स्टूडेंट स्कूल में थे ना, तो ये यही बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 था, जब कुछ नए लड़के और लड़कियों का ने प्रवेश लिया 5:7 के रेशियो में तो आप स्कूल के छात्रों की कुल संख्या 1200 हो गई तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7
5 हो गया, तो नए प्रवेश से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो एक तो मेथड ये हो सकता है, आप इक्वेशन बना सकते हो सीधे, 5:3 में है, 5:3 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, तो ये 5K और ये 3K, ओके। ये कह रहा है कि जब कुछ नए लड़के और लड़कियों ने स्कूल में प्रवेश लिया तो अनुपात 5:7 में प्रवेश लिया, मतलब 5:7 में प्रवेश लिया, ये कह रहा है, ठीक है। तो यहां ये बोलेगा कितना कि भाई मान लो 5x और 7x ने ले लिया प्रवेश, समझ में आती है बात, तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k+5x/3k+7x=7/5, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इस तरह से। अब मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूं कि रिवर्स में चलने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बताया कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है अगर आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो जनरल मेथड ये है कि 7:5, अब देखिए यहां एक चीज हमने मिस कर दी कि 1200 अब छात्र हो चुके थे, अब स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई, 1200 हो गई, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपका ये बन जाएगा के और इसमें तो सॉल्व आप कर लेंगे, और एक इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, टोटल संख्या 1200 हो गई, तो टोटल संख्या का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा आपके पास 8k+12x=1200। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके के और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे और अपने आंसर पर आ जाएंगे। नए प्रवेश से पहले स्कूल में कितने छात्रों की संख्या थी, तो बेसिकली आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को एलिमिनेट करके k की वैल्यू निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहां हमें जाना ही नहीं है, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर रहे, हम दूसरे तरह से चलेंगे, ठीक है। जो 7:5 ये रेशियो हो गया था आपका, ठीक है, और ये जो रेशियो है ये 1200 है, टोटल कितना है 1200, ना प्रवेश लेने के बाद जो नया रेशियो बना 7:5 उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने 1200 है, तो पीछे से चलेंगे तो 1200 है, तो 12 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये टोटल 12 आ रहा है, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, जिससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 100, ठीक है। तो 100 × 7 700 ये स्टूडेंट्स हो गए, और 5 × 100 500 स्टूडेंट्स आपके ये हो जाएंगे बाद में। अब इससे पहले 5:7 में स्टूडेंट ने प्रवेश लिया था, तो 5:7 को आप ले लो 5K और 7K, ठीक है। तो 700 − 5K/500 − 7K, ठीक है। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है, और ये रेशियो कितना था पहले, 5:3 था, ओके। आई होप समझ में आ रही बात आपको, अब इसको सॉल्व कर लो, 2100 − 15K = 2500 − 35K, ठीक है। अभी 2100 इधर के माइनस, 2500 35K उधर जाकर प्लस, तो ये 20K, चलिए नीचे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 20K = 400, तो K = 20 वैल्यू आ गया, और आपको इनिशियल बताना है कि इनिशियली हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है, बता दो आपको, K का वैल्यू आपको आ गया, तो यहां पर कितने थे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास पहले, 700 + 500 = 1200 − 12K, तो प्लस करेंगे तो दोनों को ना, ये आएगा 1200 − 12×20, तो ये कितना आ जाएगा 240, तो 1200 − 240 = 960 स्टूडेंट्स के एडमिशन से पहले, 960 इसका आंसर आएगा गाइस। समझे आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहां मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ये बोर्ड पूरा इसमें फट जाएगा, और यहां से इजी हो रहा है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखो आपके पास 7:5 में थे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ये कब हुए हैं, जब कुछ स्टूडेंट्स 5:7 में बॉयज और गर्ल्स ने एडमिशन लिया है, तो नया रेशियो जो बना है वो 7:5 बना है, और नए एडमिशन के बाद जो टोटल वैल्यू हो रही है वो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1200 दी हुई है, 1200 दी हुई है, ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 100, यानी कि 7 × 100 = 700 बॉयज होगा,
नए एडमिशन के बाद, और 500 गर्ल्स हो गई नए एडमिशन के बाद, ठीक है। अब ये 5:7 में आए थे, यानी कि इसको 5 के और इसको 7 के ले लिया, जिन स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स ने एडमिशन लिया है, मतलब 5 के बॉयज ने एडमिशन लिया है और 7 के गर्ल्स ने एडमिशन लिया है। तो 500 - 5K / 500 - 7K इज इक्वल्स टू, क्यों, जो एडमिशन लिया था उसको वापस हमने माइनस कर दिया, तो पुराने वाले नंबर पर चले जाएंगे, वो रेशियो कितना था, 5:3 था, उसको सॉल्व करके K का वैल्यू आ रहा है 20, बस अब K का वैल्यू 20 आ गया, हमें टोटल चाहिए पहले वाला, तो इसका पूरे का टोटल करोगे तो 7 + 5 = 1200 और माइनस 12 के, तो 1200 - 12 × 20 = 240, तो 1200 - 240 = 960 आपका ये फाइनल आंसर आएगा गाइस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक बार प्रैक्टिस कीजिए घर पर क्वेश्चन को फिर से करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रामू डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट गोल्ड कॉइन्स टू हिज 3 सन्स इन द फॉलोइंग वे। सेकेंड सन वुड गेट 5/7 ऑफ व्हाट द फर्स्ट सन वुड गेट एंड थर्ड सन वुड गेट 3/5 ऑफ व्हाट द सेकेंड सन वुड गेट। ओके, चलिए लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक होगी बात। ने बोला है कि भाई जो सेकेंड सन वुड गेट 5/7 ऑफ द फर्स्ट सन, तो 5/7 फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, देखते जाइए चीजों को। ऑफ व्हाट द फर्स्ट सन एंड थर्ड सन वुड गेट 3/5 ऑफ द सेकंड सन, तो थर्ड सन 3/5 ऑफ द सेकंड, यानी कि ये थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो सेकंड 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां भी सेकंड 5 से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है दोनों में और नंबर भी कॉमन आ रहा है, मतलब ये टोटल रेशियो आपको सेम बैठेगा। तो अगर मैं रेशियो देखूं 5:2 2/3, तो ये हमारा आएगा 7 एफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, 5 एस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, f/p, ठीक है, 7, 5, 3, क्लियर है ये बात। फर्स्ट और सेकंड के बीच 7:5 का रेशियो था, थर्ड और सेकंड के बीच या सेकंड और थर्ड के बीच 5:3 का रेशियो, वही रेशियो लिखा हुआ है, तो अब ये तीनों के बीच का रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है पहले बेटे को तीसरे बेटे से 60 सोने के सिक्के अधिक मिले, तो फर्स्ट को थर्ड से कितना अधिक मिल रहा है, 4 रिप्रेजेंटेड वैल्यू हुई, एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है 60, यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 15 आएगा गाइस, एमएफ कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ये क्लियर है। तो आपको बताना क्या है, तीनों पुत्रों को, तो तीनों पुत्रों को मतलब टोटल की बात कर रहा था, टोटल होगा 7, 5, 12, 3, 15, तो 15 रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था हमारा 15 था, तो 15 × 15 आपका आंसर होना चाहिए 225, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया था, ये तो लिखकर मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, और अगर आप यहीं से इसको क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते सोचेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए 5/7, तो 5 सेकंड है, 7 थर्ड, 7 फर्स्ट है, और फिर यहां देखेंगे 3/5, 3 थर्ड है, 5 सेकंड है, तो 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, सेकंड भी दोनों में कॉमन आ रहा है, सेकंड के लिए 5 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट के लिए 7 ही रहेगा और थर्ड के लिए 3 रहेगा, ठीक है, तो थर्ड 3 है और फर्स्ट 7 है, डिफरेंस आ रहा है 4, तो 4 रिप्रेजेंटेड वैल्यू हुई और डिफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड में 60, तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा 60 को, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 15, तो 15 × टोटल, तो टोटल आप कर लो 5/7 = 12 और 3/15, सेकंड को दो बार प्लस कर देना, तो 15 × 15 = 225 आपका फाइनल आंसर आएगा गाइस। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो ऑप्शन से किए जा सकते हैं, ठीक है, इनको तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ सिंगल फैमिली इज 140 इयर्स, 140 साल है 4 मेंबर्स की एज। 5 इयर्स अगो द एजेस ऑफ 4 मेंबर्स इशू अभी मिस्टर सिंगल मिसेस सिंगल वर इन द रेशियो 2:3:7:8, After how many years would issue be as old as the present age of his mother? तो चलिए इक्वेशन बनाकर तो हम कर ही लेंगे x x मानकर, जल्दी से क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए 4
मेंबर्स हैं और इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 140 इयर्स है, तो प्रेजेंट एज का टोटल है 140 इयर्स। अभी मिस्टर सिंगल और ये बाकी रेशियो हो जाता है 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स हेंस कितना होता है ये 2:3:7:8, ठीक है। प्रेजेंट 140 है और 5 साल के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए 5 साल पहले 140 था सबका टोटल, तो 5 साल में 5 इयर्स अगो कह रहा है, सॉरी 5 इयर्स अगो है, सॉरी गाइस मैंने हेंस लिख दिया, वेरी सॉरी, अगो 5 साल पहले, प्रेजेंट ही है। तो 5 साल पहले हर एक की एज 5-5 साल कम रही होगी, है ना, मतलब अभी की भी इशू की भी 5 साल कम रही होगी, अभी की भी 5 साल कम रही होगी, मिस्टर सिंगल की भी 5 साल कम रही होगी और मिसेस सिंगल और मिस्टर सिंगल की भी 5-5 साल कम रही होगी, यानी कि चारों की एज 5-5 साल कम होकर जो टोटल कम होगा वो कितना कम होगा, 5, 4, 20 लेस होना चाहिए। तो यहां से आप 20 लेस करोगे 140 से, तो यहां जो टोटल आएगा 120 आएगा 5 साल पहले। अगर अभी प्रेजेंट एज में चारों की एज का टोटल अगर 140 है, तो 5 साल पहले चारों की एज का टोटल कितना आ रहा होगा, 120 आ रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल यहां कितना आ रहा है, अगर मैं यहां टोटल कहूं तो 8, 7, 15 and 5, 20 आ रहा है, तो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 120 को। यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने साल बाद इशू अपनी मां की वर्तमान आयु के समान हो जाएगा, तो यहां पर इशू सबसे पहले आई थिंक इशू अभी लिख लेते हैं, और ये है मिसेस, मिसेस लिख लो केवल बहुत है, और ये है मिस्टर, तो इन दोनों की बात कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कितने साल बाद ये चले जाएं, जितना गैप इनके बीच में है एज का उतने साल बाद ही तो ये इसके इक्वल होगा, कभी भी कर लो, प्रेजेंट कर लो, पास में कर लो, समझा मेरी बात। तो यहां भी गैप कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 × 6 क्योंकि मल्टीप्लाई फैक्टर 6 है, तो आंसर 5 × 6 कितना होना चाहिए, 30 इयर्स होना चाहिए गाइस, आंसर तो यहीं से आ गया। करने के लिए आप प्रेजेंट एज में जा सकते हो, फिर देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो जितने भी डिफरेंस आ रहा होगा उसकी मां और उसकी एज में, तो उतने साल बाद ही तो जो इशू है अपनी मां की एज के बराबर होगा, उसकी मां भी हालांकि उतना ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होगा वो तो हमेशा कॉमन रहेगा, अगर मान लीजिए अभी इशू की एज 12 इयर्स है और उसकी जो मदर है उसकी एज मान लेते हैं 20 इयर्स, मान लिया, ज्यादा कम मान लिया लेकिन ठीक है ऐसी, ठीक है, तो एक डिफरेंस आ रहा है दोनों की एज में, तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये अपनी मां की एज मतलब 20 इयर्स के हो जाएगा, लेकिन इसकी मां 28 की हो जाएगी, ये 20 का होगा तो डिफरेंस वो तो 8 ही रहेगा। और ये पूछ रहा है कि अपनी मां के बराबर कब होगा, तो मां के बराबर तो तभी होगा जितनी उनकी एज का डिफरेंस आ रहा होगा, तो डिफरेंस हम यही देख सकते हैं, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू में आ रहा है 5 का आ रहा है और मल्टीप्लाई फैक्टर हमारे पास 6 है, तो 5 × 6 30 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, इशू अपनी मां की एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको आपकी तरह बता देता हूं। यहां आप देखेंगे कि यहां जो मल्टीप्लाई फैक्टर आ रहा है कितना रहा है, 6 आ रहा है, तो उसके हिसाब से इसकी जो एज आएगी 5 इयर्स है वो 6 × 12 आएगी, 12 इयर्स इशू, तो कोई बात कर लेते हैं, और जो मदर की एज आएगी वो 6, 7 × 42 आएगी 5 इयर्स अगो। तो प्रेजेंट एज में जाने के लिए ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, ये 17 हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएंगे 5, ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो अभी इनकी एज का डिफरेंस कितना रहा, 30 इयर्स, तो आफ्टर 30 इयर्स ये 47 इयर्स हो जाएगा, देखो वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन से आप यहां बच गए, ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमने करी, तो आप सीधे देख लो कि डिफरेंस आ रहा है कितना, 5, 5 × 30, तो आफ्टर 30 इयर्स इशू अपने मदर के एज के इक्वल हो जाएगा। तो फादर के लिए पूछता कि फादर के लिए कब होगा, तो यही डिफरेंस कर देते कितना डिफरेंस आएगा, 6, 6 × 30, 6, तो आफ्टर 36 इयर्स
कि फादर के एज के बराबर हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मदर्स का पूछा है, तो आंसर कितना है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार हटाकर फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। प्रेजेंट में जो एज थी इशू, अभी मदर फादर, ऐसे लिख देते हैं, कितना है एज का जो सम है 140 इयर्स है, और 5 इयर्स अगो ये रेशियो दिया हुआ 2:3:7:8। तो 5 इयर्स अगो का मतलब ये है कि हर बंदे की 5-5 साल एज कम हो जाएगी, तो 4 पर्सन हैं, तो पांचों की जो 4 के 4 पर्सन हैं, 5-5 साल कम होगी, मतलब 20 आपकी एज कम होगी, तो जो टोटल आएगा 120 आएगा, 140 - 20 = 120। और यहाँ जो टोटल बन रहा है वो बाय चांस कितना बन रहा है, 20 बन रहा है, तो इसकी वजह से मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है बात, अब पूछ रहा है कि कितने साल बाद इशू अपनी मदर की एज के बराबर हो जाएगा, तो क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहना है तो हम यही ले लेते हैं, ये कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 × 6 आपका फाइनल आंसर होगा 30 इयर्स के बाद इशू अपनी माँ की एज के बराबर होगा। ठीक है ये बात, तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे के जितने भी क्लास आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, और सब्सक्राइब के साथ ऑल का बटन, बेल बटन के साथ ऑल जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन या सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।